हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखाज रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम सामानों के साथ बहुत सारी मिठाइयाँ, तो इस दिवाली ये ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक कढ़ाई में एक कटोरी दूध लेंगे। जो भी मेज़रमेंट रखेंगे हम सेम कटोरी का रखेंगे। यहाँ मैंने एक कप दूध लिया है। इसी सेम मेज़रमेंट से हम 1/4 कप शुगर लेंगे। शुगर हम यहाँ कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम आगे मिल्क पाउडर डालने वाले हैं, सो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर लें। चीनी को अच्छे से घुलने तक हम मिल्क को उबालेंगे। मिल्क थोड़ा गर्म होने पर हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस एक तरीके से आप काफ़ी सारी मिठाइयाँ बना सकते हो, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब हम यहाँ 1.5 कप मिल्क पाउडर लेंगे। इसमें से हम पहले 1 कप वाला यूज़ करेंगे, 1/2 कप वाला हम बाद में डालेंगे। इसे एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि इसमें कोई लम्प्स ना आए, और ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है इसलिए इसको कंटिन्यू स्टर करते रहें। धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है। अब हमने जो आधा बाउल रखा था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसे भी कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्प्स ना रहे। धीरे धीरे ये गाढ़ा होकर इकट्ठा होता जाएगा, एक डो की शेप में फॉर्म होता जाएगा। अगर आप यहाँ शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो इसमें शुगर मत डालिए क्योंकि मिल्क पाउडर स्वीट होता है। धीरे धीरे ये गाढ़ा होकर इकट्ठा होने लग गया है और अब पैन भी छोड़ने लग गया है। इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इसी में ठंडा होने पर इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हाथों में थोड़ा घी लगाकर इसे एक बार अच्छे से नीड कर लेंगे। अब छोटी छोटी लोइयां बना लें और हाथों से हल्का सा प्रेस कर लें और गोल गोल पेड़े जैसे बना लें। बीच में से हल्का सा दबाएंगे और इसमें थोड़े से पिस्ता और रोज़ पेटल्स लगाएंगे। हमारे पेड़ा एकदम तैयार है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस की कोई से भी ले सकते हैं। अब हम दूसरे स्टाइल से पेड़ा बनाएंगे। ये हमारा एक स्टाइल हो गया। हम डो को पहले 3 से 4 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे जो हम अलग अलग स्वीट्स के लिए यूज़ करेंगे। अब एक पोर्शन डो का लेंगे, उसको चपाती जैसा बेलेंगे, थोड़ा थिक बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना हमें क्योंकि हमें पेड़ा बनाना है। अब कोई भी ढक्कन या कुकी कटर लेंगे और उससे छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। आप कोई भी साइज़ का ढक्कन या कोई भी कुकी कटर ले सकते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। इन्हें हम ड्राई रोज़ पेटल और पिस्ता से गार्निश करेंगे। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये हमारा पेड़े का दूसरा पैटर्न तैयार हो गया है। आप इस तरह से भी पेड़े बना सकते हैं। अब हम दूसरी मिठाई बनाते हैं। यहाँ डो के 2 पोर्शन लिए हैं मैंने। एक में हम रेड कलर डालेंगे और एक में हम ग्रीन कलर डालेंगे। कलर आप अपनी चॉइस के कोई भी ले सकते हैं। रेड कलर को डो के साथ अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। ये हमारा रेड कलर वाला डो तैयार हो गया है। इसी तरह से हम ग्रीन वाले को करेंगे। इसमें भी कुछ बूंदे ग्रीन कलर की मिलाएंगे और इसे भी ग्रीन कलर को मिक्स करके और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे।
अब रेड वाले डोमेस हैं, हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे हल्का सा ओवल शेप देंगे। इसे फिंगर की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसमें लौंग इस तरह से लगाएंगे। लौंग को हमें उल्टा लगाना है और ये हमारा एप्पल शेप का स्वीट तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी एप्पल भी हम तैयार कर लेंगे। ग्रीन वाला थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसे अच्छे से राउंड करके एक लीफ का शेप देंगे। शेप आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और फॉर्क से हल्का सा प्रेस करके उसके एक डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हम लीव तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो इसकी वाइट भी बना सकते हैं। इसे हम एप्पल स्वीट्स पर लगाएंगे। वाह, बहुत सुंदर एप्पल लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल वाला एप्पल। आप चाहें तो दोनों तरफ लीव्स लगा सकते हैं। हम बाकी के लीव्स भी इसी तरह से बनाकर दूसरे एप्पल्स पे लगाएंगे। अब हम एप्पल स्वीट में भी एक दूसरा पैटर्न बनाएंगे। वाइट वाला डो लेंगे, उसको भी हम ओवल शेप देंगे। हल्का सा इसको प्रेस करके इसमें लौंग लगाएंगे। अब हमने जो रेड कलर तैयार किया था उसे हम ब्रश की मदद से इस एप्पल पर चारों तरफ घुमाते हुए लगाएंगे, आगे पीछे सब तरफ से। हम आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं नॉर्मल ऐसे ही ब्रश चला रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इन मिठाइयों को देखकर आपसे कोई नहीं कहेगा कि आपने हलवाई से नहीं मंगवाई है। इस पर चारों तरफ से कलर कर लिया है मैंने। अब इस पर भी हम एक लीव लगा देंगे। आप चाहें तो दोनों साइड से लीव लगा सकते हैं। लग रही है ना बहुत ही सुंदर मिठाई। तो ये हमारी एप्पल मिठाई भी रेडी हो गई है। तो हम बाकी बचे हुए डो से हमारी रिमेनिंग मिठाई बना लेते हैं। यहाँ हम एक फॉइल पेपर लेंगे, इसमें हम वाइट वाले डो को रखेंगे और बेलन से इस तरह फैलाएंगे, बेलेंगे कि ये चिपकेगा नहीं। इसे हम एक राउंड सा चपाती जैसा शेप दे देंगे। हम एक सेकंड के लिए साइड में रखेंगे। अब बचा हुआ रिमेनिंग वाइट डो लेंगे, इसमें हम येलो फूड कलर मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक इसका रोल सा तैयार कर लेंगे। कलर आप अपनी चॉइस का कोई भी ले सकते हैं, आप अपना फेवरेट कलर भी डाल सकते हैं। इस येलो वाले पोर्शन को हम हमारे वाइट वाले डो के ऊपर एकदम बराबर से साइज़ में रखेंगे। अब इसको फॉइल की हेल्प से फोल्ड करेंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। आप यहाँ चाहे तो येलो वाले जो पोर्शन है उसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर सकते हैं। अभी अच्छे से फोल्ड हो गया है, एकदम रोल जैसा तैयार हो गया है। इसे हम फॉइल पेपर से कवर करके और आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसे फ्रिज से निकालेंगे और इसे कट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ इसको ड्राई फ्रूट्स में रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ इस पर सिल्वर लीव्स का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिल्वर लीव्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। मैं इसे थोड़ा मार्केट वाला लुक दे रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके साइड्स को हटा देंगे क्योंकि साइड्स में बराबर शेप नहीं आता है। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। हमारी मार्केट जैसी मिठाइयाँ एकदम तैयार है।
मेरे पास थोड़ा सा ग्रीन लीव्स वाला पोर्शन बच गया था, उसके भी मैंने यहाँ ग्रीन एप्पल तैयार कर दिए हैं। तो बस इस फेस्टिवल पर इस तरह से मिठाइयाँ बनाइए और फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। हमारी एकदम मार्केट वाली स्वीट्स तैयार है। सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस, मिलते हैं आपसे दिवाली के बाद आसान सी और बहुत टेस्टी और यम्मी रेसिपीज़ के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली अगेन। थैंक यू।